जब भी फोन में नोटिफिकेशन आते हैं हम तुरंत ही पॉकेट में से फोन निकालकर देख लेते हैं। ना चाहते हुए भी हम बार बार फोन चेक करने का मन करता है। हमारे आसपास तकरीबन हर व्यक्ति फोन एडिक्शन का शिकार बन चुका है। बार बार फोन यूज करने से आपके ब्रेन में प्लेजर लूप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपने फोन यूज किया, आपको प्लेजर मिला और ब्रेन में से डोपामिन रिलीज होगा। बट जब डोपामिन का लेवल नॉर्मल होगा तो ब्रेन को दूसरी बार डोपामिन का रश चाहिए और तभी हमें फोन की क्रेविंग्स होती है। इसलिए हमें बार बार फोन यूज करने का मन करता है। ये एक साइकिल बन जाती है। अगर आप भी थोड़ी थोड़ी देर में अपना फोन चेक करते हो तो आप भी प्लेजर लूप में। एक तरफ हम है और दूसरी तरफ एप्स के हजारों इंजीनियर्स जिनकी ये कोशिश रहती है कि आपको प्लेजर लूप में रोक के रखे ताकि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा इन एप्स को दें। इन सब चीजों से होता है मेंटल फटीग। इसलिए आज की डेट में लोग ज्यादा आलस करते हैं, जल्दी टायर्डनेस फील करते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। रात के समय में हमारे ब्रेन में से एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि अच्छी स्लीप के जिम्मेदार मेलाटोनिन है। बट जब हम रात को फोन यूज करते हैं तो हमारे फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को इंटरफेयर करती है और मेलाटोनिन ठीक से नहीं बन पाता और हमारी स्लीप अधूरी रह जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में स्लीप डिस्टर्बेंस आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, फोकसिंग पावर और कंसंट्रेशन पावर पर असर पड़ता है।